थ्री पॉट्स बुद्ध की बहुत सहज सिंपल और फेमस टीचिंग में से एक टीचिंग थी या है तीन पॉट्स की सुबुद्ध so कहते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक थ्री पॉट्स हम तीन पॉट्स की तरह उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को तीन पॉट्स में एक्सप्लेन किया जब मैंने इन तीन पॉट्स को देखा तो मैंने इसमें दो पॉट्स और जोड़ दिए तो वो पाँच पॉट्स बना दिए <laughs> और ये स्टोरी जब बुद्ध समझा रहे हैं ये टीचिंग जब बुद्ध दे रहे हैं तो संदर्भ ये है जो मैंने पहले बताया कि क्यों वेदांत बोल रहा है कि तुमने सुन लिया तो तुमने जान लिया और पा लिया और क्यों बुद्ध हर बात को तीन बार रिपीट कर रहे हैं ये कहाँ वेयर इज़ द गैप हेयर हम भी सत्य सुन रहे हैं निरंतर सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से सत्संग के माध्यम से किताबों के माध्यम से पॉडकास्ट के माध्यम से और बहुत सारे माध्यम से हम भी सत्य सुन रहे हैं एंड वी बिन लिस्निंग टू द ट्रूथ फॉर मेनी ईयर्स नाउ वट्स गोइंग ऑन वो सत्य हमारा रियलाइजेशन क्यों नहीं बन रहा दो चीजें हो सकती हैं एक चीज ये हो सकती है कि पूरा ज्ञान अभी हमें मिला नहीं इसलिए हम ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं बट हमें लगा ये अभी पूरा नहीं है तो फिर हम दूसरी किताब पढ़ते हैं दूसरा ज्ञान खोजने के लिए उसको भी पढ़ लेते हैं हमें लगा नहीं अभी भी कुछ कमी रह गई तो हम तीसरा एक यूट्यूब वीडियो देखते हैं कि अच्छा किताब में भी कुछ बात रह गई तो तीसरा ज्ञान पढ़ते हैं तीसरा ज्ञान सुनते हैं फिर हम गीता पढ़ते हैं फिर हम वेद पढ़ते हैं फिर हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं सो फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ ज्ञान टू दी अनदर फॉर्म ऑफ ज्ञान वी आर कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्बिंग एक्यूमुलेटिंग हम ज्ञान को कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बट सत्य पकड़ में क्यों नहीं आ रहा अभी तक सो so दो ही रीजन हो सकते हैं कुछ ज्ञान हमें मिला मुझे पूरा ज्ञान ही अभी तक नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूँ खोज रहा हूँ ग्रंथों में यूट्यूब पे किताबों में या जो ज्ञान पा रहा है उसमें कुछ कमी है विच मीन्स अगर मैं पात्र हूँ मैं ज्ञान पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ पात्र में कमी है नहीं तो एक गीता बहुत है सत्य को जानने के लिए एक बुद्ध का वचन बहुत है सत्य को जानने के लिए एक नानक का कीर्तन बहुत है सत्य को जानने के लिए बट हो नहीं रहा

बट इन दैट क्वेश्चन दे आर ईदर टेस्टिंग मी आउट और दे आर वॉन्टिंग टू हियर माई वट इज दैट सहमति मेरी सहमति अपने विचार पर वो मेरी सहमति चाह रहे हैं कि येस येस दिस इज हाउ इट इज बट दे नॉट एम टी एनअ टू रिसीव द गया प्री कंसिव नोशन से पॉट फुल भरा हुआ है इट मीन्स इन प्रैक्टिकल डे लाइफ हियर दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डे लाइफ में इसका यह मतलब हुआ कि वी आर ऑल टू फुल विद आर ओन प्राइड मैं ही मैं से भरा हुआ हूँ मैं स्वयं से ही भरा हुआ हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ या मेरे भीतर ये चल रहा है लोग मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं स्वयं से भरा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मेरा इंप्रेशन तुम पे अच्छा पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है आई एम टू फुल मैं कुछ एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहन के निकला मार्केट में आई एम वॉचिंग यू दैट हाउ आर यू परसीविंग एंड सो ऑन सो फोर्ट सो आई एम टू फुल विद माई सेल्फ ऑल द टाइम स्वयं की ईगो से स्वयं के विचारों से स्वयं के प्रभावों से स्वयं के प्राइड से और या तो प्राइड से भरा हुआ स्वयं के या प्राइड का ऑपोजिट होगा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी तो या मैं प्राइड से भरा हुआ स्वयं के सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या मैं स्वयं के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हूं बट अभी दोनों स्थिति में मैं स्वयं से भरा हूं अब जब ये स्वयं से भरा व्यक्ति किसी बुद्ध से जाएगा वट कैन बुद्धा गिव यू देन दो स्पेस इन द पॉट आपके हृदय में आपके मन में आपके आपके आपकी बुद्धि में कोई स्पेस ही खाली नहीं है जिसमें बुद्ध कुछ भी एक ज्ञान का सूत्र ऐड कर सकें बिकॉज आई एम टू फुल विद माई सेल्फ अपनी ही इनसेरिटीज से अपनी ही ईगो से बहुत सारे अक्सर मैं मित्रों से मिलता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में बट वो डिसीजन नहीं ले पाते वो वो करते रहते हैं जो वो नहीं करना चाहते बट जो वो करना चाहते हैं वो करने का साहस नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज़ द टू फुल विद सेल्फ द too full with their own insecurities. Pot is too full. क्या ज्ञान ऐड कर पाएंगे इस पॉट के अंदर द पॉट नीट शू बी एम्प्टीड हा कैसे किया जा सकता है बहुत सिंपल किस चीज से भरा हुआ ये पॉट स्वयं से अपने विचारों अपने प्राइड अपनी बुद्धि अपने ईगो बुद्ध, अपने अहंकार स्वयं से भरा हुआ वो कैसे खाली करे बहुत सिंपल है द डे यू स्टार्ट टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम यू टू ददर्स मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तेरा हाँ ऐसा नानक ने बोला याद है वो कहानी तेरह पे उनकी गिनती रुक जाती थी तेरह से उनका मतलब होता था तेरा सब तेरा ऑल इज योर्स आई एम नॉट ओनली यू जिस दिन भी मेरा फोकस स्वयं से हटके जगत पे आने लगे जिसको शब्द हमने हिंदू धर्म में दिया सेवा सेल्फलेस सर्विस पे आने लगे ये पॉट खाली होने लगता है से ये जो शब्द हैं सेवा जैसे जिनको हम अक्सर सुन के ऐसे साइड पे रख देते हैं बड़े साइंटिफिक शब्द हैं ये दे आर प्रेग्नेंट वर्ड्स दे कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ दीज आर द टूल्स ये पॉट को खाली कर सकते हैं बट समय किसके पास है ना सेवा करने का समय आ? मुझे तो अपने काम से अपने स्वयं से अपने घर परिवार अपने ऑफिस अपने करियर से ही फुर्सत नहीं है सेवा इज़ द लास्ट प्रायोरिटी इन माई लिस्ट तो फिर ये पॉट कभी खाली नहीं होगा और जब तक ये पॉट खाली नहीं होगा तब तक ये अद्भुत नया सत्य ज्ञान रिसीव नहीं कर पाएगा सो इंस्टेड ऑफ हैविंग द फोकस नोट दिस लाइन इंस्टेड ऑफ हैविंग द फोकस ऑफ वट कैन आई गेट शिफ्ट टू वट कैन आई गिव सो फ्रॉम वट कैन आई गेट इन दिस सिचुएशन और फ्रॉम दिस पर्सन टू शिफ्टिंग द फोकस टू वट कैन आई गिव टू दिस पर्सन और टू दिस सिचुएशन मैजिक विल हैपन आप रियलाइज़ करोगे कुछ ही समय में प्राइड जो था उस पॉट में जो इनसिक्योरिटीज़ थी उस स्पॉट में जो मिसट्रस्ट था उस पॉट में ऑल विल स्टार्ट टू वैनिश